हेलो फ्रेंड्स, साधना जोमन्स रेसिपीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं नाश्ते के लिए या बच्चों के टिफिन के लिए वेज पनीर चीज ब्रेड रोल बनाना, वो भी कम सामग्री में। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं वेज पनीर चीज ब्रेड रोल बनाना। तो उसके लिए लिए है ब्रेड, बड़ी साइज वाले ब्रेड लिए है, उनके एजेस कट कर लेते हैं। वेज पनीर चीज ब्रेड रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम फिलिंग बनाएंगे। 50 ग्राम पनीर लिया है, उसको कद्दूकस कर लेते हैं। उसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई सब्जियां, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, एक छोटा बारीक कटा हुआ प्याज। सब्जियां आप अपने आवश्यकता के अनुसार ले सकते हैं, कैप्सिकम और गाजर। अब उसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स, पाव चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और पाव चम्मच चाट मसाला। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, मोजरेला चीज ऐड करेंगे, क्यूब चीज लिया है, चीज को कद्दूकस कर लेते हैं। आप चाहे तो सिर्फ मोजरेला चीज भी ऐड कर सकते हैं। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, मिला लेते हैं। ध्यान रहे हम बच्चों के लिए नाश्ता बना रहे हैं, तो सभी मसाले कम क्वांटिटी में डाले हैं। हमारा स्टफिंग या फिलिंग तैयार है, ब्रेड को बेल लेते हैं। ब्रेड को तो बेल लिया, मैदे की स्लरी भी तैयार है। टोमेटो सॉस ऐड करेंगे। एजेस पे स्लरी लगा लेते हैं। स्लरी लगाने से ब्रेड रोल अच्छे से सील हो जाते हैं।
इस तरह से हमारा ब्रेड रोल तैयार है। हमारे वेज पनीर चीज ब्रेड रोल तो तैयार है, अब इसे तल लेते हैं। तेल गर्म हो चुका है, बीच बीच में पलट देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे वेज पनीर चीज ब्रेड रोल कितने प्यारे दिख रहे हैं। बीच बीच में पलटते हुए ब्रेड रोल का परफेक्ट कलर आया है, कितने प्यारे दिख रहे हैं। प्लेटें निकाल लेते हैं। ब्रेड रोल का परफेक्ट कलर आया है, निकाल लेते हैं। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। घर में मेहमान आए तो भी खुश होके जाएंगे। तो फ्रेंड, हमारे गर्मा गर्म वेज पनीर चीज ब्रेड रोल तो तैयार है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो इसे जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। धन्यवाद।